हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। और बात दिन की सबसे बड़ी खबर की, मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह ड्रग्स के फंदे में फंस गए हैं। भारती सिंह के घर आज एनसीबी ने छापा मारा। उनके घर गांजा बरामद होने के बाद पूछताछ के लिए बुलाया गया, जिसके बाद एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनके पति हर्ष से अभी भी पूछताछ जारी है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी और खास मेहमान जुड़े हुए, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। टीवी की दुनिया में कॉमेडी क्वीन के नाम से मशहूर भारती सिंह ड्रग्स के भंवर जाल में फंस गई हैं। वो भारती सिंह जो अपनी हाजिर जवाबी से हर किसी का मुंह बंद कर देती हैं, तमाम सवालों के बावजूद आज उनकी जबान से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। ये तस्वीर उस वक्त की है जब भारती सिंह ड्रग्स से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए मुंबई में नारकोटिक्स विभाग के दफ्तर पहुंची थी। मीडिया ने सवाल किया तो भारती उन्हें नजरअंदाज करते हुए दफ्तर के भीतर चली गईं। ड्रग्स केस के फंदे में भारती सिंह के फंसने की शुरुआत आज एनसीबी की टीम की उनके घर और दफ्तर पर छापेमारी से हुई। जानकारी के मुताबिक भारती सिंह के घर और दफ्तर से 86 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। इसके साथ एनसीबी ने भारती के घर से ड्रग्स एलएसडी भी बरामद की। आमतौर पर बॉलीवुड में नशे के लिए एलएसडी पेपर ही ज्यादा पॉपुलर है, साथ ही उनके घर से नशे की कुछ दवाएं भी जब्त की गई हैं। इस बरामदगी के बाद ही ये बात साफ हो गई थी कि भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बचिया पर एनसीबी का शिकंजा कसना तय है। छापेमारी के बाद नारकोटिक्स विभाग ने भारती और उनके पति को सम्मन जारी कर पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया। भारती का नाम ड्रग्स केस में आने के बाद से ही वो नारकोटिक्स विभाग के रडार पर थी और आज एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। दिनों बॉलीवुड के कई कलाकारों को एनसीबी ने समन जारी किया था और उसके आधार पर रेड भी किया गया था, पूछताछ की गई थी। जिन कलाकारों ने स्पष्टीकरण नहीं दिया उन पर कार्रवाई भी हुई, उन पर शिकंजा भी कसा। और इसी कड़ी में एक पेडलर को गिरफ्तार किया गया था और उसकी निशानदेही पर भारती सिंह और हर्ष के घर पर रेड की गई है। इससे पहले ड्रग्स केस में अर्जुन रामपाल एनसीबी के ऑफिस पहुंचे, जहां उनसे कई घंटों तक सवाल जवाब हुए थे। अर्जुन रामपाल से पहले उनकी लिव इन पार्टनर ग्रेबियला डेमेट्रियड्स से भी दो बार पूछताछ की गई थी। बॉलीवुड में ड्रग्स केस का तार खंगालने में जुटी एनसीबी पेडलर्स की निशानदेही पर लगातार छापेमारी कर रही है। और देखिए, भारती सिंह की गिरफ्तारी हो गई है, उनको अब मेडिकल के लिए भी ले जाया जा सकता है और कल जो जानकारी मिल रही है उनको पेश भी किया जा सकता है मजिस्ट्रेट के सामने। हालांकि हर्ष उनके पति उनसे अभी भी पूछताछ लगातार जारी है। तमाम खास मेहमान सुनील पाल, पारितोष त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आर के ओझा साहब भी पूर्व एनसीबी अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मृत्युंजय भी जुड़े हैं। मृत्युंजय, मुझे जल्दी से अपडेट दीजिए, कुछ जानकारी मिल पा रही है मेडिकल आज होगा लेकर जाया जाएगा या कल ही होगा? देखिए, जो अभी है मेडिकल के लिए वैसे विकल्प तो 24 घंटे खुले हुए हैं, क्योंकि महिला अधिकारी साथ में होनी चाहिए, बस यही एक बाध्यता होती है। अगर महिला अधिकारी है और पुलिसकर्मी मौजूद है तो मेडिकल कराया जा सकता है, लेकिन जिस प्रकार की देरी हो रही है शायद इंतजार कर रहे हैं कि हर्ष के केस में क्या होता है, और अगर दोनों को अगर हर्ष की भी गिरफ्तारी होती है तो शायद दोनों को मेडिकल के लिए लेके जाया जाएगा। पर निश्चित तौर पर अभी आज शनिवार का दिन है, रात के 9 बज रहे हैं, लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर अभी नहीं हुआ तो कल सुबह मेडिकल के लिए लेकर जाया जाएगा और फिर कल ही हॉलीडे एनडीपीएस कोर्ट में उनकी पेशी होगी। पर अभी भी कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर हमारे पास नहीं आ रही है और अभी तक अधिकारियों ने कुछ स्पष्ट नहीं किया है कि क्या मेडिकल आज ही होगा और कब होगा और किस बात के लिए इतनी देरी हो रही है। जी, आप रहे हैं हमारे साथ। देखिए, आरके ओझा साहब भी जुड़े हुए हैं, मैं सुनील पाल और पारितोष त्रिपाठी के पास जाऊं, उसके पहले ओझा साहब मैं आपका रुख कर रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, आप तो खुद अधिकारी रहे, तमाम जांच प्रक्रिया किस तरह से होती बहुत अच्छे से आप इसको जानते हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए। और अभी वहां पर जो एनसीबी की टीम जिस तरह की स्थिति से जूझ रही होगी, क्योंकि बॉलीवुड चकाचौंध, पावर, पैसा सब कुछ है वहां पर, उसके बाद जांच, तो उसमें दिक्कतें भी आती होंगी सर? दिक्कतें तो हर जगह ही रहती हैं, हर फील्ड में दिक्कत है,
यहाँ इन्फ्लुएंशियल नाम है, पर कानून के दायरे में सबके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, और जिसके खिलाफ एविडेंस आएगी 100% उसके खिलाफ एक्शन होगा ही होगा। तो अभी तक जिस तरह से ये जांच चली है सर, एक के बाद एक कई स्टार्स के नाम सामने आते गए, भारती के घर से गांजा बरामद होता है, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, जो जांच जिस तरीके से चल रही है उसमें और क्या कुछ एड ऑन होना चाहिए ताकि ये जांच जल्दी आगे बढ़े, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी जांच को? ये तो पूरी सीरीज चल रही है, इसके अंदर ड्रग ट्रेल जहां जहां ये ड्रग बिकी है नहीं है, एक मेन सोर्स है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां कहां जा रहा है, आगे इसके रिटेलर्स हैं, और फिर उनके साथ वो उनके पोटेंशियल कस्टमर्स कौन कौन है, कौन कौन इसका यूज करते हैं, वो सब दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस है उसके लिए, और मनी ट्रेल है, कई रिसोर्सेज जिसके थ्रू ये जांच चल रही है, और इसमें और भी कोई आपको हैरान करने वाले नाम मिल जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी, जिस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन चल रही है सही लगता ही यही है। जी आप रहे हमारे साथ ओझा साहब, जिस तरह आपने बहुत अहम बात कही है कि कई हैरान करने वाले नाम भी निकल कर आ जाए। सुनील पाल और पारितोष त्रिपाठी दोनों हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील पाल, मैं आपका रुख कर रहा हूं, एक बार मुझे एक बात बताइए, ओझा साहब पूर्व एनसीबी के अधिकारी हैं और वो भी यही आशंका जता रहे हैं कि अभी तो जांच चल रही है और भी कई नाम आ सकते हैं, आज भारती का नाम आया, हर्ष का नाम आया, भारती के घर से गांजा बरामद होता है, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, और भी कई नाम आ सकते हैं, इतना स्याह चेहरा क्यों है बॉलीवुड का? मैं पूरे बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा हूं, आपको फिर से याद दिला दूं, लेकिन जिनके नाम आते जा रहे हैं उनको अगर जोड़कर देखें तो। नहीं बिल्कुल, जैसे दादा पारेकर साहब ने कहा था कि सौमित्र अस्सी मेहमान फिर भी मेरा देश महान, तो ये जो 80% लोग हैं वो हर प्रोफेशन में हर जगह पे पूरे हिंदुस्तान के लिए प्रॉब्लमेटिक काम करते हैं और प्रॉब्लम जिंदगी डाल देते हैं हिंदुस्तान को, और मैं कलाकार होने के नाते इन सब के साथ में जो जो मेरा संपर्क है उसके नाते मैं आज उनसे निवेदन करता हूँ कि कला का अपमान ना करो, मां सरस्वती का अपमान ना करो, मां सरस्वती ने आपको इज्जत दी है, सम्मान दिया है, जगह दी है, पोजीशन दी है, आज दुनिया के लोग आपको पसंद करते हैं, तो प्लीज कलाकार चाहे कितना ही बड़ा हो जनता से बड़ा नहीं होता है, मां सरस्वती के वरदान से बड़ा नहीं होता है, आपको अपनी परिस्थिति समझकर, आपके हालात समझकर अपने आप को अच्छा काम करना चाहिए, लोगों तक अच्छा मैसेज भेजना चाहिए, ना कि इस तरह से उल्टे सीधे काम करके अपना अपने घर का अपने करियर का और अपनी कम्युनिटी का नाम बदनाम करके आपकी वजह से चार लोग और बदनाम होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही बड़ा कला का भी अपमान है और कलाकारी का भी अपमान। सुनील मुझे एक बात बताइए, मैं बार बार ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप भी एक कलाकार हैं, आपने भी एक मुकाम हासिल किया है, आपके भी फैंस हैं देश भर में, दुनिया भर में, वो आपको पसंद करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो हमारे स्टार्स हैं ऐसा क्या होता है कि वो इस तरह की चीजों के पीछे भागने लगते हैं? जो बातें आप कह रहे हैं ये वो भी जानते हैं, वो भी सार्वजनिक मंचों पर इसी तरह की बातें करते हैं, लेकिन जो असल चेहरा है वो कुछ और दिखाई देता है। इसके पीछे कारण सिर्फ यही है कि लोग अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते, लोग अपने आजू बाजू के लोगों को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तो उनको डिप्रेशन में जाते हैं। अब आप सोचोगे कि कई लोग बड़े मुकाम पर होते हैं, उनको तो नहीं होना चाहिए, लेकिन वो अपने से आगे वालों को देखते हैं, अपने से उस चीज को देखते हैं और वहां पर वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। जैसे दीपिका पाडुकोण ने कहा था कि मैं डिप्रेशन में हूँ, तो लोग सोचते यार ये इस औरत को किस बात का डिप्रेशन। लोग कहते हैं कि दीपिका कहती है कि भाई मैं डिप्रेशन में, तो लोग सोचते यार इस औरत को किस चीज का डिप्रेशन। तो ये कहीं ना कहीं खामो खा जो रेट रैट है जो उसमें वो लोग हो जाते हैं और कई ऐसे उल्टे सीधे कदम उठाते हैं जिसके वजह से खुद भी डूबते हैं, हम तो डूबेंगे सर, हम साथ में कम्युनिटी को भी ले डूबेंगे, ऐसा मामला हो जाता है। आप रहिए और ओझा साहब भी मौजूद है, मृत्युंजय भी मौजूद है। देखिए भारती सिंह जिसने टीवी की दुनिया में अपनी कॉमेडी से बड़ा नाम कमाया, लाखों फैंस बनाए, कॉमेडी में उनकी टाइमिंग का सब लोहा मानते हैं, लेकिन अब एक टाइम यह भी आ गया है कि वो नशे के फंदे में फंस गई हैं। अपने खास अंदाज की कॉमेडी से पूरे देश में अपने करोड़ों फैन बनाने वाली कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति लेखक हर्ष लंबाचिया को एनसीबी ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कर लिया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भारती के घर और दफ्तर में छापेमारी के बाद उन्हें सुबह पूछताछ के लिए बुलाया और देर शाम को दोनों की गिरफ्तारी हो गई। बताया जाता है कि भारती के घर से 86.5 ग्राम गांजा भी बरामद हुआ था।
दरअसल एनसीबी ने मुंबई के खारदांडा इलाके में कुछ दिन पहले छापेमारी की थी और 21 साल के एक ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया था। उसके पास से 40 ग्राम गांजा, नशीली दवाएं वगैरह बरामद हुई थी। इसी आरोपी से पूछताछ के बाद एनसीबी ने भारती सिंह के घर और दफ्तर में छापेमारी की। जांच एजेंसी की पूछताछ में दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि वो गांजे का सेवन करते हैं। भारती सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनका मेडिकल टेस्ट और कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। भारती को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जा सकता है। जांच एजेंसी उनके पति हर्ष से भी ये उगलवाने की कोशिश कर रही है कि वो कब से ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं और क्या उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति को भी गांजे की आपूर्ति की थी। इस मामले में एनसीबी ने अलग से एक FIR दर्ज की है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में दोनों ने स्वीकार कर लिया है कि वो गांजा का सेवन करते थे। भारती को NDPS की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। ड्रग्स मामले में किसी कलाकार की बड़ी गिरफ्तारी है। इससे पहले एनसीबी ने बॉलीवुड कलाकार दीपिका पादुकोण, रकुलप्रीत सिंह और सारा अली खान जैसी अभिनेत्रियों से पूछताछ की थी। इसी महीने की शुरुआत में एनसीबी ने एक्टर अर्जुन रामपाल के घर पर छापा मारा और उनको और उनकी पार्टनर गैब्रियला को पूछताछ के लिए समन भेजा था। अर्जुन रामपाल की पार्टनर गैब्रियला से लगातार 2 दिन 6-6 घंटे की पूछताछ की गई, जबकि खुद अर्जुन रामपाल से पिछले हफ्ते 6 घंटे पूछताछ हुई। गैब्रियला के भाई एगेस को एनसीबी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन अब भारती सिंह की गिरफ्तारी से पूरी टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड में हंगामा मच गया है। भारती सिंह टेलीविजन की सबसे मशहूर और सबसे महंगी कॉमेडी कलाकारों में से एक है। भारती ने हर्ष लिम्बाचिया के साथ 2017 में लव मैरिज की थी। हर्ष एक लेखक हैं और भारती के शो कॉमेडी क्लासेस और कॉमेडी सर्कस में लेखन करते थे। 2014 में कॉमेडी सर्कस के सेट पर ही दोनों मिले थे। उम्र में हर्ष लिम्बाचिया भारती से 7 साल छोटे हैं। पंजाब में जन्मी भारती बचपन से ही अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती थी। उन्हें कॉमेडी का जुनून था और यही जुनून उन्हें मुंबई ले आया। 2005 में शुरू हुए द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में भारती ने हिस्सा लिया और इसी शो में भारती ने 4th सीजन में अपना नाम दर्ज करवाया और पहली महिला कॉमेडियन रनर अप बनी थी। इस कामयाबी के बाद भारती ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। छोटे पर्दे पर भारती ने एक के बाद एक कई रियलिटी शोज, अवार्ड शोज और कॉमेडी शोज में अपना जलवा बिखेरा। कॉमेडी नाइट बचाओ और कॉमेडी नाइट लाइव में उनकी कॉमेडी ने सबका दिल जीत लिया। बड़े पर्दे पर भी भारती ने अपनी कॉमेडी का जादू खूब दिखाया। कई पंजाबी फिल्मों में अभिनय किया और अक्षय कुमार की हिंदी फिल्म खिलाड़ी 786 में भी नजर आई। खबरों के मुताबिक भारती एक शो के करीब 15 से 20 लाख रुपए लेती है। पंजाब से ताल्लुक रखने वाली भारती को महंगी लग्जरी गाड़ियों का शौक है और उनके पास 50 लाख से ऊपर की करीब 4 गाड़ियां हैं। लेकिन अब ड्रग्स केस में नाम आने और गिरफ्तारी का असर भारती के करियर पर भी पड़ेगा। देखते हैं ये केस आगे क्या करवट लेता है। तो देखिए, पूरी कहानी अपने आपको दिखाई, मशहूर होने से लेकर किस तरह से गिरफ्तारी तक भारती की कहानी रही। गिरफ्तार हो गई है भारती और हो सकता है उनको कभी भी मेडिकल के लिए लेकर जाया जाए। उनके पति से अभी भी पूछताछ हो रही है, हर अपडेट आपको देते रहेंगे। सत्यम मौजूद है इस वक्त एनसीबी दफ्तर के बाहर हमारे सहयोगी। सत्यम, कुछ जानकारी मिल पा रही है अभी तक? क्या आज मेडिकल होगा या आज पेश कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, या आज की रात उनको वहीं गुजारनी है, कल मेडिकल और पेशी होगी? जी आदर्श, बता दें कि दोपहर के समय का आज एनसीबी के ऑफिसर है जो भारती के घर पे उनके पति और भारती के जो है गांजे के साथ में 86 ग्राम है जो गांजा है उनके साथ में उनको लेके आए थे अपने ऑफिस में, दफ्तर में। तकरीबन है 3.5 से 4 घंटे है जो पूछताछ चली थी। भारती को अरेस्ट कर लिए थे, उसके बाद है जो उनके पति हर्ष, तकरीबन अभी भी 7 घंटे हो गए। हम इस वक्त एनसीबी ऑफिस के दफ्तर के बाहर ही है, आप देख सकते हैं यही दफ्तर में अभी भी उनसे पूछताछ चल रही है। संभावना जताई जा रही है कि जल्दी ही उनको भी, उन्होंने ड्रग्स के मामले में है सेवन किया है और उन्होंने कबूला इस बात का, इसके लिए उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी हो जाएगी। एनसीबी के लगातार ऑफिसर है इसी बिल्डिंग में, तकरीबन 7 घंटे के ऊपर हो गए पूछताछ कर रहे। फिलहाल भारती जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया है इसी जगह पे, वो भी उनको मेडिकल में कुछ समय, जो सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही, उनको मेडिकल के लिए लेके जाया जाएगा। उसके बाद उनको जो है दूसरी जानकारी मिल रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा है जो कोर्ट में पेश किया जाएगा, इस तरह की जानकारी जो अभी फिलहाल मिल रही है। जो एनसीबी के ऑफिसर है ऑफिशियली तौर पे अभी तक कुछ इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी, थोड़ी समय के बाद जब भी उनके अरेस्ट का हर्ष का भी हो जाएगा उसके बाद वो पूरी तरह से डिटेल जानकारी देंगे तो अपने सामने भी दर्शक तक अपनी जानकारी पूरी पहुंच जाएगी। हर्ष सत्यम, अभी कहीं इंतजार तो नहीं हो रहा है कि हर्ष की पूछताछ हो जाए उसके बाद क्या फैसला करते हैं एनसीबी के अधिकारी, उसके बाद ही पूरी प्रक्रिया तय की जाए कि आज पेशी होनी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, आज मेडिकल होना है या कल ही होगा सब कुछ?
जी आदर्श, लगातार जिस तरह से बताया जा रहा है कि अभी जो है कि आदर्श का है पूछताछ हो चुका है और पूछताछ में उन्होंने कबूला भी है कि उन्होंने गांजा का है जो ड्रग्स का है सेवन किया है। उसके लिए उनकी जो अंतिम प्रक्रिया है बताई जा रही है वो चल रही है अरेस्ट फॉर्म का। कुछ ही समय में उनकी कार्रवाई है, जो अरेस्ट का फॉर्म है वो फिलअप होने के बाद ऑफिशियली जो एनसीबी की तरफ से है ऑफिशियली बताया जाएगा। उसके बाद हम उनकी ये आगे की प्रक्रिया है जो मेडिकल का, उसके बाद कोर्ट में पेश करने की, वो भी जानकारी मिल जाएगी। जी आप रहिए हमारे साथ, आरके ओझा साहब भी जुड़े हुए एनसीबी के पूर्व अधिकारी। आरके ओझा साहब, मुझे एक बात बताइए, जिस तरह से पूरी प्रक्रिया हम देख रहे हैं, भारती को तो पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन अभी उनके पति से पूछताछ हो रही है, तो क्या हो सकता है एनसीबी के अधिकारी इंतजार कर रहे हो कि किसी कंक्लूजन पर पहुंचे, क्या आगे करना है उसके हिसाब से एक साथ कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, इसलिए इंतजार हो रहा है? हो सकता है, आप ठीक कह रहे हैं, अगर दोनों की अरेस्ट की जाती है, दोनों का मेडिकल इकट्ठा करवाने के बाद रात को स्पेशल कोर्ट या ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो भी होगा उसके उसको पेश किया जाएगा और फर्दर जो रिमांड जितना जुडिशियली या पुलिस रिमांड जिसकी जरूरत होगी उस हिसाब से वो जो कंसर्न कोर्ट है वो उसको ग्रांट करेगी। लेकिन दोनों ने स्वीकार किया है ओझा साहब कि दोनों ने ड्रग्स कंज्यूम किया या जो गांजा है उसको वो लेते थे, तो अब ऐसे में जो एनसीबी अधिकारियों का जो आगे की रणनीति होगी कैसे होगी, क्योंकि तमाम इस तरह के केसेस आपने भी देखे होंगे? कंजप्शन अपने आप में ऑफेंस है, माइनर जो स्मॉल क्वांटिटी मिली है इनके पास से, एक साल तक की सजा है इसके लिए भी कानून के अंदर, एनडीपीएस एक्ट के अंदर। अभी ये पता नहीं है किसी ने और सेक्शन कुछ लगाए हैं, सेक्शन 38 है हार्बरिंग का है, उसमें ये साथ में संलिप्त हो रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, एविडेंस हमारे पास नहीं। जैसे सुनी सुनाई बात है कि 86.5 ग्राम घर से गांजा मिला है, तो ऑफेंस है काफी, अरेस्ट के लिए काफी है और इसके अंदर कोर्ट में पेश करना ही पड़ेगा। बीइंग लेडी हो सकता है उनको रात को ही पेश किया जाए, कल तक की वेट नहीं करेंगे। जी कल ही पेश किया जाएगा। आप रहे हमारे साथ आरके ओझा साहब। देखिए सुनील पाल और पारितोष त्रिपाठी दोनों जोड़े हमारे साथ, पारितोष त्रिपाठी सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस तरह की बात क्यों सामने आ रही है भारती को लेकर, सबके मन में यही एक सवाल है। इस तरह की जब चीजें सामने आती है ना, उस कलाकार को जब लोग देखते हैं जिसको पसंद करते हैं, तो बहुत धक्का लगता है उनको। बिल्कुल, और देखिए क्या, एक कलाकार के अलावा मैं फैन भी हूं, मैं इन सब लोगों का फैन हूं, तो मुझे कल को किसी ऐसे के बारे में जिस तरह से आज आया, किसी के बारे में आएगा तो मेरे लिए, मेरा तो दिल टूटने जैसी बात हो गई है। आपने थोड़ी देर पहले अपने चैनल पे वीडियो दिखाया था जहां पे हर्ष भारती और टेरेंस हर ये लोग कॉमेडी कर रहे थे, बहुत हंसा रहे थे। मैं तहे दिल से मैं चाहता हूं कि इनके बारे में जब भी खबर आए तो इस तरह की आए, हंसने हंसाने वाली न्यूज आए, कुछ मजेदार खबरें आए, इस तरह का आरोप प्रत्यारोप ना ही आए बॉलीवुड पे जैसा मैं चाहता हूं। मगर हमारे सिर्फ एक चाहने से होता नहीं है, हम इसकी गारंटी तो ले नहीं सकते हैं, ना ही आप ले सकते हैं कि जैसे आप किसी नशे में नहीं होंगे झा साहब, लेकिन आप ये दावे से नहीं कह सकते ना कि न्यूज की दुनिया में या मीडिया में कोई नहीं करता है। ऑफ कोर्स करते तो होंगे लोग, बहुत सारे लोग बॉलीवुड पर हम भी नहीं उठाते हैं सवाल, हम उन पर उठाते हैं कि जब हम सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं कि पूरे बॉलीवुड पर सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई अगर गंदगी है तो कहीं भी है, वो तो साफ होगी। नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता है लगातार बोला जाता है कि बॉलीवुड पे फिर से, बॉलीवुड पे फिर से, स्पेसिफिक नहीं बोला जाता है। आपको ही पता है मैं किस सेंस में कह रहा हूँ। जैसे हम जैसे लोगों को दुख होता है, या हमसे बहुत ऊंचे कद के कलाकार जो लोग हैं जो 25 साल से 30 साल से इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं, एज अ स्टार काम कर रहे हैं, जैसे मैंने अन्ना का जिक्र किया था, तो उनके लिए भी बड़ा अजीब सा लगता है। मैं चाहता नहीं हूं कि इस तरह का हो कुछ, और मैंने आपको बोला था आपके चैनल के माध्यम से कि अगर मैंने कभी इस तरह की कोई चीज देखी तो मैं डेफिनेटली मैं सूचित करूंगा, और मेरे तरफ से यही विरोध है, मैं अपने स्तर से जो कर सकता हूं मेरा यही विरोध है। ठीक है ठीक है ठीक है, पारितोष आप रहे हमारे साथ, सुनील पाल भी जुड़े हुए हैं और तमाम सहयोगी भी जुड़े हैं हमारे साथ, और देखिए सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील पाल का एक बार रुक कर लेते हैं। सुनील जी मुझे एक बात बताइए, इस तरह की बात बार बार होती रही है और अभी जो ये चर्चा है ना, ये जो जांच है, जांच की जो चर्चा हो रही है और बार बार जांच अभी आगे बढ़ रही है, जांच खत्म नहीं हुई है अभी, ये रास्ते में है, जांच मंजिल तक पहुंची नहीं है, और भी कई चौंकाने वाले नाम आ सकते हैं जिसकी आशंका तमाम लोग जता रहे हैं, वो चाहे पत्रकार हो, चाहे जो हमारे साथ पूर्व अधिकारी बैठे हैं वो हो, चाहे आप लोग हो, तो वो तो और बुरी स्थिति होगी क्योंकि एक के बाद एक इस तरह के नाम आ रहे हैं सामने। बहुत ही बहुत ही दुखद हो रहा है मामला, मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी आप भारतीय सिंह क्लिप भी दिखा रहे तो उसमें भी ज्यादातर नशे की बात ही हो रही है, कभी वो बीयर की बात कर रही है, कभी वो देवदास का फेवर कर रही है, कभी कुछ ऐसा कर रही है, तो क्या कहीं ना कहीं वो माहौल ही पूरा बहुत नेगेटिव होता जा रहा है। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि सभी कलाकारों से कि आपको माँ सरस्वती ने इतना अच्छा वरदान दिया है
अच्छा काम कीजिए, सच्चा काम कीजिए, खूब आगे बढ़िए, नशे का सहारा मत लीजिए। फिर एक बार कहूंगा कि नशा किसी भी चीज किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। आपको भगवान ने बहुत ऊपर रखा है, क्यों नशे के चक्कर में आप नीचे गिर रहे हैं, यही मैं कहना चाहूंगा। क्योंकि मैं सबसे निवेदन कर सकता हूँ, मैं इन सब का फैन भी हूँ, इन सब का दोस्त भी हूँ और कहीं ना कहीं इनके परिवार का हिस्सा हूँ। बहुत दुख होता है मुझे, पर्सनल लॉस फील कर रहा हूँ, पर्सनल टॉर्चर फील कर रहा हूँ, पर्सनल दुख फील कर रहा हूँ। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये जो नशा है ना, ये बॉलीवुड के लोगों में लाइफस्टाइल में क्यों तब्दील हो गया है? इस तरह के नाम आ रहे हैं और तमाम तरह के कारण बताए जाते हैं, वजन कम करने के लिए, तनाव से दूर रहने के लिए, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ये लाइफस्टाइल में कैसे घुस गया नशा? ये बहुत सारे करेक्ट बात है, बिल्कुल सही बात कही। पिछली बार हमारे एक बहुत अच्छी कलाकार दोस्त का देहांत हो गया, मिस्टी मुखर्जी, उनको किसी ने बहुत अलग डाइट दे दिया था। तो डाइट में भी कभी मुझे भी कई लोग बोलते कि दो पैक पी लिया करो, फिर कोई दवा में कहता कि ऐसा कर लिया करो, फिर कोई कहता कि सिगरेट पीने से आवाज तेज आती है, कोई कहता कि फला ड्रग करने से आपके चेहरे पे इंटेंस एक्टिंग करना हो, आपको थिएटर की एक्टिंग करनी हो या कोई, तो ये ऐसे उल्टी सीधी लोग राय बहुत देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन सब राय पर अमल ना किया जाए, इसी की वजह से शुरुआत होती है धीरे धीरे, फिर ग्रुप बनता है, फिर ग्रुप जाहिर सी बात है सुनील पाल। लेकिन जिस तरह के नाम सामने आ रहे हैं अब एक के बाद एक, वो बहुत चौंकाने वाले नाम है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरके ओझा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत करने के लिए जो कुछ बॉलीवुड में हो रहा है उस पर। हमारे साथ सत्यम और मृत्युंजय दोनों अभी जुड़े हुए हैं, उनसे भी लगातार आगे अपडेट लेते रहेंगे।